भाई काशी के मठों में आप वेद वाणी और मंत्रों के गूंज सुनते आ रहे होंगे। मठों में जहां धोती और जनेऊ धारण कर वेद शास्त्रों पर शास्त्रार्थ करते नजर आते हैं, वहीं इन दिनों वाराणसी के मठों में एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है। वो कैसी तस्वीर है, जरा देखिए रिपोर्ट। शिव की त्रिशूल पर बस काशी अविनाशी है। शिव शंकर के इस शहर की हर बात निराली है। कर्मकांड, मंत्र, आस्था, श्रद्धा, शास्त्र और बारीक कारीगरी के मशहूर बनारस में अब एक नई तस्वीर दिखाई दी है। वैसे शस्त्र, शास्त्र और पुरुषार्थ का नाता बहुत पुराना है, लेकिन काशी में अब सनातन के सिपाहियों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। सिर पर शिखा रखे, धोती कुर्ता पहने इन युवाओं की पहचान बटुक के नाम से है। दरअसल मठों में वेदों की शिक्षा लेने वाले छात्रों को बटुक कहा जाता है। बटुकों को कराटे की ट्रेनिंग दी जा रही है। काशी में बटुक वेद छात्रों को हिंदुत्व और हिंदुओं की रक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। धोती जनेऊ धारण किए ये छात्र पहले तो ध्यान लगाते हैं, मंत्रों के उच्चारण से खुद को जागृत करते हैं, फिर उसके बाद आत्मरक्षा और धर्म रक्षा के लिए ताइक्वांडो सीख रहे हैं। बटुक सुबह में 4:30 बजे उठकर पहले वेद की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद इन्हें सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक प्रैक्टिस करवाई जाती है। मठ प्रबंधन का कहना है कि जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार देखा गया, ऐसे भी ऐसी घटनाओं को लेकर ये शुरुआत की गई है। भविष्य में ऐसी कोई भी घटना हो तो खुद की रक्षा की जा सके और वेद शास्त्र उन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। महाभारत युद्ध में देख लीजिए कितने शास्त्रों का प्रयोग हुआ, कितने शस्त्रों का प्रयोग हुआ, न जाने पर ब्रह्मास्त्र हुए, पाशुपतास्त्र हुए। उसी तरह से इसमें भी हमारे बच्चे संस्कृत विद्या में न केवल शास्त्र ही पढ़ाया जाता है अपितु अनेक प्रकार की कलाएं हैं इसमें, तो उसी के लक्ष्य को रखते हुए एक प्रकार की एक कला भी है। अतः बांग्लादेश इत्यादि को देखते हुए अपने अपनी अपने आत्मरक्षा के लिए ये परम आवश्यक है। बटुकों को ऐसी प्रैक्टिस दी जा रही है कि यदि कभी जरूरत पड़े तो ये सामने वाले प्रतिद्वंदी को पटकरी दे सके। हमारी आने वाली जनरेशन में जैसे आजकल का समय चल रहा है, उस हिसाब से इन लोग को भी थोड़ा अच्छा जानकारी होना चाहिए सेल्फ डिफेंस का, मार्शल आर्ट्स का और आत्मरक्षा के लिए इनकी भी जरूरत है। खाली धर्म और शास्त्र के साथ इसकी भी जरूरत पड़ती है आज की डेट। वाराणसी के कैलाशपुरी मठ में इसकी शुरुआत से अन्य मठ भी अब संपर्क में आ रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि मठों में योग के बाद आत्मरक्षा के गुण के लिए कराटे और ताइक्वांडो सीखने की नई परंपरा की शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही हर मठों में नजर आएगी।